हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आईएससी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। तो पेपर पूरा एनालाइज करके पता चला है कि पेपर कंपेयर टू इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी नहीं दिया गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ज़्यादा था। तो हम लोग आते हैं इस वीडियो में पूरे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताना कि इसको कितना मार्क्स मिला है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द लीडरशिप स्टाइल दैट इनेबल क्विक डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो नंबर वन का आंसर है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर टू, स्नेहा वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ टू रिपोर्ट टू हर ऑफिस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसी। शी इज़ अलाउड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस एज पर हर कन्वीनियंस। हाउएवर शी नीड टू कंप्यूट अ सेट नंबर ऑफ आवर्स इन ऑफिस पर वीक। Identify the emerging trends in human resource as exhibited in the company situation. तो यहाँ पे कौन सा वर्क कल्चर के बारे में बात हो रहा है? अपने मर्जी से जाओ, बस इतना घंटा वीक में करना है, ये हम लोग ऑलरेडी किए हैं। इस वर्क कल्चर का नाम है, इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का, आप लोग कमेंट्स में बताइए, फ्लेक्सीबल वर्किंग आवर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, Which method of performance appraisal reduces the bias on the part of raters so that the rating are not concentrated in a particular area on the rating scale? इसका आंसर है 360 degree, इसका आंसर है 360 degree appraisal। ठीक है, तो नंबर टू का था flexible working hour, नंबर थ्री का 360 degree appraisal। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है फुल फॉर्म बताओ SMTs का। तो SMTs का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ मैनेजिंग टीम्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ मैनेजिंग टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डैश इन नेचर। इसमें होगा इंटरडिसिप्लिनरी। फाइव का आंसर है इंटरडिसिप्लिनरी। नंबर सिक्स, एज पर द कंपनीज एक्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 7 शेयर होल्डर्स। सिक्स का आंसर है 7। नंबर सेवन, डैश रिफर्स टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें होगा, नंबर सेवन में होगा ई कॉमर्स। सेवन का आंसर है ई कॉमर्स। और एट, डैश इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटिंग रिटर्न मैसेजेस। इसको हम लोग बोलेंगे नंबर एट का ईमेल। तो एट का आंसर है ईमेल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नाइन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल अपियरेंस। क्वेश्चन नंबर टेन, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ ABC लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। टेन का सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशनल प्राइवेट नॉन स्टैट्यूटरी एंड स्पेशल रिपोर्ट। नंबर इलेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफर इज डन। ये जो 11 है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब हम बताते हैं ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन 12 में एसर्शन में बोला गया पीस रेट सिस्टम जो वेज रेट का है ये सूटेबल है जहाँ पे काम रिपीटेटिव नेचर का हो और आउटपुट को इजीली कैलकुलेट किया जा सके। तो वहाँ पे पीस रेट सिस्टम सही है। रीजन में बोला है पीस रेट सिस्टम जो है वो इनसिक्योरिटी डाल सकता है वर्कर में, क्योंकि मिनिमम वेज रेट तो गारंटीड है नहीं, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली है वो है ऑप्शन बी। देखो, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 में जो ABCD है ये चारों का जो आंसर है वो ट्रू होगा। 13 का ए भी ट्रू होगा, बी भी ट्रू होगा, सी भी ट्रू होगा और डी भी ट्रू होगा। ठीक है, हम एक एक रीड करके आपको बता नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, बट 13 का जितना भी है चारों ही जो है वो है ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा पेपर के MCQ वाला पोर्शन का सल्यूशन।